हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट होम। आज मैं आपके लिए आलू की एक ऐसी चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया हुआ है। बेसन में मैं हल्दी नमक ऐड करूँगी और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेकिंग पाउडर, वो मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पर मैं ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इसमें जो हम आलू की पकौड़ियाँ बनाएंगे इतनी ज़्यादा फ्लफी बनती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती है। पहले हमें बेसन का एक घोल तैयार कर लेना है। यहाँ पे बेसन का हम बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। गाइस, यहाँ पे देखिए, मैंने ये बॉइल्ड आलू ले रखे हैं, इनको मैंने मैश कर लिया है। अगर आपके पास पहले से बॉइल्ड आलू हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकती हैं। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालिए। यहाँ पे पहले हम आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। जनरली जैसे हम समोसे का आलू फ्राई करते हैं या पूड़ी के लिए आलू फ्राई करते हैं, उसी तरीके से हम इस आलू को फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाल मिर्च और ज़ीरा ये मैंने ग्राइंडर में पीस के डाला है। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और ज़ीरा ये दोनों पीस के इसमें ज़रूर डालिए। इससे जो है ये आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें अभी नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें बस फ्राई करने हैं। ठंडे होने के बाद हम इनके पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर अचानक से कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि आप क्या रेसिपी बनाएं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत जल्दी कम टाइम में भी बन जाते हैं और बहुत इसमें किसी सामान की या तामझाम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास ब्रेड पड़ी थी, ये नॉर्मल ब्रेड्स हैं जो हम खाते हैं। इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स भी पड़े हों तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इनको सभी को हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें टिक्की का शेप देना है, राउंड करके हमें इसे टिक्की का शेप देना है। फिर उसके बाद हम इसे बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम बेसन में डिप करके उनको फ्राई करेंगे। ये आलू की जो पकौड़ी है, ऊपर से ये जितनी क्रंची होती है, अंदर से खाने में ये उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। कच्चे आलू की पकौड़ियाँ तो सभी ने खाई होगी। इस तरीके से एक बार आप आलू की पकौड़ी ज़रूर ट्राई कीजिए।
यहाँ पे देखिए मेरे सभी पकौड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से हम बाकी के भी सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। अब मैं इनकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी तरह की चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।